आज दरभंगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के परिसर में बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में लगभग 44 महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के कर्मचारी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं कर्मचारी महासंघ के प्रक्षेत्रीय मंत्री विनय कुमार ने कहा कि हमारा 11 सूत्री मांग है, जिसको लेकर हम लोग पहले भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, किंतु विश्वविद्यालय की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे नाराज हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता राजू सिंह ने कल से शुरू होने वाले दीक्षांत समारोह के तैयारियों के बीच इस प्रकार का प्रदर्शन को लेकर विनय कुमार झा प्रक्षेत्रीय मंत्री से विस्तृत जानकारी ली। 19-10-18 से चल रहा है और 19-10-18 को भी हमने यहाँ प्रदर्शन किया था। उसके बाद फिर 20 और 21 को हमारा काला बिल्ला लगा करके जो है सो कलम बंद हड़ताल भी था। उसके बाद फिर हम प्रक्षेत्रीय से कोई जो है सो इस पर जो है सो क्रियान्वयन नहीं हुआ। तब उसके बाद फिर प्रक्षेत्रीय संघ की बैठक हुई, उसको मैंने 3 तारीख को लिख करके विश्वविद्यालय को दिया। उसके बाद फिर मैंने 19 तारीख को भी लिख करके दिया और उसके बाद भी किसी तरह का इनको कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। कर्मचारी का कोई भी डिमांड मानने को तैयार नहीं है, तो इसलिए हमको बाध्यता हो गई, क्योंकि मैंने 3 तारीख को ही 3 अक्टूबर को ही दिया था और उसके बाद फिर हमने 19 अक्टूबर को फिर हमने दिया और इन्होंने कोई आवश्यकता महसूस नहीं की कि कर्मचारी का मांग है, हम इनसे बात भी करें। दीक्षांत समारोह भी है और इसमें हम बात करके इसका निदान करें, इनकी आवश्यकता इनको किसी भी तरह की महसूस नहीं हुई और हमें बाध्य कर दिया गया कि आप आज आंदोलन आपका है, उनका भी नहीं है क्या? वो पदाधिकारी हैं, उनका भी काम है ना हमसे बात करके कि क्या प्रॉब्लम है। दीक्षांत समारोह आप आगे बात कर लीजिएगा, हमको तो कह सकते थे ना, हमको लिख के दे सकते थे ना कि आपके पत्र के आलोक में आपको जो है सो दीक्षांत समारोह को देखते हुए आपको आगे जो है सो हमको एक तिथि निर्धारित करते हैं, आप बात करेंगे। और ऐसा किसी भी तरह की कोई पहल नहीं हुई, तब हमको बाध्य कर दिया गया कि आप आंदोलन करिए। क्या आंदोलन का है? आज हम घेरा डालो कार्यक्रम में हैं, अब आगे फिर देखेंगे शाम को क्या स्थिति बनेंगे, फिर सब आदमी बैठ करके निर्णय करेंगे, जो निर्णय होगा सो करेंगे। किस तरह का मांग आप लोग का? हमारा मांग है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, कंडेम्ड है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसका कंडेम्ड हुआ और वो कंडेम्ड के बाद जो है सो हमको भुगतान करना था बकाया का। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप 6 सप्ताह के अंदर में इनको सारा भुगतान कर दीजिए और इन्होंने भुगतान नहीं किया। पैसा इन्होंने भुगतान किया, जो उस न्याय से आच्छादित नहीं है उनको भुगतान कर दिया और जो आच्छादित कर्मचारी है वो घूम रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो ये स्थिति यहाँ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं हुआ।